हेलो एवरीबॉडी आप सभी का परीक्षा सरकारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे आप सभी को गुड मॉर्निंग जय हिंद राधे राधे क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है हाय निहाया कैसे हो आप सतीश कुमार हेलो कैसे हैं ईशांत यादव वेरी गुड मॉर्निंग क्या आप सभी को मेरी आवाज़ वग़ैरह आ रही है सब कुछ क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है ठीक मेरे से सब कुछ क्लियर है एक बार आप सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है अविनाश सर जय हिंद नमस्कार कैसे हैं सर अविनाश सर गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप चलिए <coughs> कल हम लोगों ने थ्री हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट कर रखी थी रात वाली सेशन में दस बजे वाली क्लेशन में है ना टेन पीएम वाली जो सेशन थी उसमें हम लोग टू हंड्रेड वन से लेके थ्री हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए कल रात में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री हंड्रेड वन से लेके पूरा कोशिश होगी हमारी 400 कवर करने की अदरवाइज 350 तो 100 परसेंट कवर करने वाले हैं ठीक है तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए और सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज पूरी कोशिश है कि हिस्ट्री किसी भी हाल में हम लोग एंड कर लिया जाए अभी एक सेशन है फिर रात में हमारी टेन पी पे है दोनों सेशन को हम लोग मिला के कोशिश करेंगे कि आज किसी भी हाल में हमारे हिस्ट्री का सेशन जो पी का चल रहा है ये कम्प्लीट हो जाए और कल अगर मैं रहा तो कल क्लास चलेगी अदरवाइज कल क्लास नहीं है मेरी आ, नाइट में है नाइट में मैंने शेड्यूल करा रखा है बट वो भी श्योर नहीं है नाइट वाली क्लास टेन पी वाली कि चलेगी कि नहीं चलेगी डिपेंड करेगा कि मैं कहीं पे आ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ अगर मैं आ गया तो टेन पी वाली क्लास चलेगी अदरवाइज़ वो भी कैंसिल है फिर मंडे से क्लास चलेगी फोर थर्टी पी और नाइट में टेन पी पे, ठीक है और अगर कल चली तो जोग्राफी की स्टार्ट हो जाएगी अगर नहीं चली तो मंडे को स्टार्ट होगी जोग्राफी की ठीक है हाय रिया कुमारी कैसे हो आप बढ़िया वेरी गुड सर कान्हा कैसे हो आप गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग चलिए उम्मीद करते हैं सभी बच्चे आ भी गए होंगे और कुछ बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं जिन बच्चों ने वो बच्चे जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए उम्मीद करते हैं मॉर्निंग में क्लास आपको पी ऊष के कर लिए होंगे सुबह में छः बजे क्लास पी ऊशर की थी ओके इसके बाद हमारे अविनाश सर की क्लास आज है वन पी पे आज सर की भी मैराथन है वन पी पे अविनाश सर की क्लास है उम्मीद करते हैं कि आप सभी जरूर से ज्वाइन करेंगे मैथ की बहुत ज़रूरी एक सेक्शन है आपके एग्ज़ाम के लिए मैथ और इंग्लिस का कॉम्बिनेशन है ठीक है मैथ इधर इंग्लिश इधर इन दोनों सर का कॉम्बिनेशन है और यही आपको क्या करेगा एग्ज़ाम में सफलता दिलाएंगे ध्यान रखिएगा क्योंकि मैथ और इंग्लिश एक ऐसा वेटेज है जो आपको मेहनत से पढ़ना है ठीक है उसके बाद हमारे उमेश सर हैं आपको पता है सर थर्सडे और फ्राइडे क्लास चलती है और उसके बाद मैं हूँ आपको पता ही है सर मेरी टेन पी फिक्स है रात में हम आपको मिलते ही मिलते हैं आज केवल सैटरडे है इसलिए हम आपको सुबह में टेन एम पे मिल चुके हैं ठीक है, है? <laughs> रिया मैं बिल्कुल अच्छा हूँ बढ़िया सतीश एकदम बढ़िया कैसा गया सतीश एग्ज़ाम वगैरह कैसा गया आपका आप जो एग्ज़ाम देने आए थे बढ़िया हुआ आपका एग्ज़ाम एफ़ कार्ड का फॉर्म हम भर दिया इस बार देना है कि नहीं देना है एफ़ कार्ट और सी की तैयारी व्यारी चल रही है कि नहीं चल रही है सी शायद आपने अप्लाई करी अप्लाई करी हुई है ना आई थिंक ठीक है चलेगा एक बार सेशन को सबसे पहले तो सभी बच्चे लाइक वगैरह कर देंगे और अगर लगता है कि सर शेयर भी करना चाहिए तो सेशन को शेयर भी जितना जल्दी हो करिए और लाइक भी करिए और फटाफट -फट हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं और सेशन को कम्प्लीट करते हैं ठीक है ये टेलीग्राम चैनल है सभी बच्चों को पता है कि सर टेलीग्राम चैनल पे हम पीडीएफ ऑलरेडी दे चुके हैं कुछ पीडीएफ बाकी है वो पीडीएफ भी बहुत ही जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सरकारी परीक्षा डॉट कॉम पर आप विजिट करिएगा यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे पी भी मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा आपकी एक्यूरेसी ऑल ओवर इंडिया पर दिखाई दी जाएगी तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं सरकारी परीक्षा डॉट कॉम इसमें क्या क्या बेनिफिट है बहुत ही जल्दी आपको सब कुछ मिलेगा ठीक है और अगर लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा कॉस्टली है थोड़ा सा महंगा है तो आप इस कोड को यूज़ करिएगा आर एस टेन को <coughs> बहुत आ गया सर ओके चलेगा पहला क्वेश्चन ये सब चीज़ें हो चुकी थी सीधे क्वेश्चन आते हैं हम लोग थ्री हंड्रेड वन पे ठीक है ये सब कल हम लोगों ने कर लिया था ना ये ne हो गया मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ आ रही है सभी को कल आई थिंक यहाँ तक हो चुका था ना मेडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट इज करेक्ट बोला था ना आई थिंक हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था एम तो हाँ ये वाला ऑप्शन था ना पुर्तगाल वाला hmm? दुर्वाते बारबोसा हाँ ये ऑप्शन था यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था ठीक है 300 क्वेश्चंस हो चुके थे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सर 301 से 100 मतलब 301 से स्टार्ट होगी और कोशिश हमारी होगी 350 तो 100 परसेंट आपको करा ही कराएं अगर समय रहा तो आपको मैं 400 भी करा दूंगा डिपेंड करता है टाइम के ऊपर ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग राघवेंद्र कैसे हैं आप <coughs> सर स्टार्ट करना है तीन सौ से स्टार्ट करना है ठीक है वेरी गुड पेपर गया था सर सी एग्ज़ाम ओके बारह दिसंबर को सीजियल एग्ज़ाम है सर मेरा तो सतीश बस प्रैक्टिस पर लग जाइए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस करा दिए हैं स्टैटिक जीके के वन थाउजेंड क्वेश्चन कराए हैं और अभी भी चल रहा है आपका ठीक है अभी भी आपका चल रहा है हाँ जय हिंद केसरी जी कैसी हैं आप सतीश प्रैक्टिस पे लग जाइए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी कुछ भी नया बिल्कुल भी मत उठाइएगा कोशिश करिएगा प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए जल्दी से बच्चे सेशन को पहले लाइक करिए जितने सारे बच्चे हैं उतने लाइक तो होने चाहिए चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने ये रहा बताइएगा बाघ केफ के बारे में कह रहा है आर सिचुएटेड इन विच स्टेट बाघ जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन एस एस सी एम ठीक है 2019 का क्वेश्चन है वो भी आफ्टरनून में पूछा गया है कि बाघ केव आर सिचुएटेड इन विच स्टेट बाघ जो गुफाएं हैं वो कौन से राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक या असम फटाफट सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे और सेशन को हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का ठीक है बताइएगा सभी लोग कैसे क्या आंसर होगा फटाफट राघवेंद्र कह रहे हैं सर आसाम में होगा कुछ बच्चे मध्य प्रदेश भी कह रहे हैं मध्य प्रदेश भी कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग आसाम कह रहे हैं ओके okay, तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है ठीक है आशाम वाले बच्चे गलत हो ध्यान रखिएगा आशाम में नहीं है ठीक है नेक्स्ट आइएगा साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था कैलिको ये क्वेश्चंस हमेशा आया हुआ एस सी में भी एस में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कैलिको को लेकर ठीक है ये एम में आया हुआ क्वेश्चन है दो में क्वेश्चन पूछा गया है कोयला है चावल है लोहा है या कपास है किसको जानते हैं सर आपको ये बताना है बताइएगा ठीक है कैलिको हाँ किस को जानते हैं जल्दी से सभी बच्चे फटाफट कॉटन को जानते हैं ओके ठीक है और कोई बच्चा वेरी गुड बहुत अच्छा ठीक है किसको जानते हैं सर कॉटन कपास को जाना जाता है किसको जानते है, सर कपास को जाना जाता है वेरी गुड केशरी जी कुमारी बहुत अच्छा नेक्स्ट कौन सा विकल्प सही है बिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू कौन सा ऑप्शन ट्रू है एम में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है ठीक है एम में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा है ठीक है बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा अरेबिक द पर्सन हु को द रीड एंड राइट एंड टीच अरेबिक वॉज कॉल्ड मुंसी कौन सा सही है ना तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा ऑप्शन ठीक है ग्रेफिटी हैंगिंग रॉक्स पेंटिंग गलत है सर गुल फेरोसन इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर और रंग वॉज काइंड ऑफ द हॉर्स कार्ड गलत है ऑप्शन नंबर सी क्या है सर किसका है सर फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा ठीक है केसरी समझ में आया ऑप्शन नंबर सी क्या है सर करेक्ट है नेक्स्ट आइएगा निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ सेल कृतिक स्तंभों को दर्शाते हैं ठीक है रॉक कट है पिलर्स 2019 का क्वेश्चन है एम का फटाफट आंसर -फट करिएगा 2019 थाउजेंड का क्वेश्चन है 304 जल्दी से राघवेंद्र बहुत अच्छा सतीश वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 304 का आंसर चाहिए हमें तो क्या होगा सर गोथिक तो ये होगा नहीं क्योंकि हमने कल ही आपको ये कराया था ये दूसरा ऑप्शन आया था ठीक है ना <coughs> पर्शियन भी नहीं होगा सर क्या होगा सर मौर्य पुलर्स मौरन पिलर्स ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड रिया कुमारी बहुत अच्छा केसरी वेरी गुड शतीश बहुत अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा नेक्स्ट आइएगा अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है अब हमने यहाँ पे आपको पढ़ाया था क्या याद करिए विश्व विरासत इसमें सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने एम में आया हुआ दो हज़ार उन्नीस क्वेश्चन है गोवा होगा मध्य प्रदेश बिहार या महाराष्ट्र क्वेश्चन <coughs> का आंसर फटाक से बताइए और आगे बढ़ते हैं तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ओके महाराष्ट्र ये तो सभी बता देंगे बच्चे बहुत इजी है करेक्ट आंसर सर क्या है महाराष्ट्र ट्वेल्थ ठीक है बारहवीं सदी के कर्नाटक में विरष के अनुयायी थे कौन थे सर फॉलोअर्स के बारे में कह रहा है ट्वेल्थ सेंचुरी में एम में आया हुआ क्वेश्चन दो का क्वेश्चन है वीर साहब के जो अनुयायी थे फॉलोअर्स थे वो कौन थे बसवत्रा थे अंदल थे रामानुज थे या कराइकल थे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट <coughs> आंसर जल्दी जल्दी आंसर करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है कोशिश है कि कोशिश जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए ऑप्शन नंबर ए बसवत्रा बहुत अच्छा नेक्स्ट अट्ठारहवी सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कटाबुमन किस वर्तमान राज्य से थे अभी प्रेजेंट टाइम में पूछा हुआ है केरल तमिलनाडु तेलंगाना या कर्नाटका ये एम में आया हुआ क्वेश्चन सर उन्नीस में क्वेश्चन पूछा गया है बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से 306 का ए ठीक है और 307 का आंसर क्या होगा 307 का सर कर्नाटका तो होगा ही नहीं है ना केरला रतन सर होगा ही नहीं तमिलनाडु और तेलंगाना में से एक आंसर होने वाला है जल्दी से आप सभी बच्चे बता दीजिए कि तमिलनाडु और तेलंगाना में से कौन सा आंसर सही होगा तमिलनाडु सही होगा ओके और कोई रिया कुमारी वेरी गुड बाबू तमिलनाडु ठीक है केसरी जी बहुत अच्छा करेक्ट आंसर क्या होगा सर तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर है सतीश बहुत अच्छा नेक्स्ट चलेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक इस स्थान युग में सही नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स प्लेस फेयर इज करेक्ट सही है ठीक है फेयर इज करेक्ट एम में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है ठीक है तो कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है सर अलाई दरवाजा तंजावुर, गलत है सर ऑप्शन ये तो ताजमहल मेरठ में है सर नहीं सर ये भी गलत है सर ठीक है गोलकोंडा फोर्ट हाँ सर ये हैदराबाद में बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर हमारे को सी मिल गया ठीक है जयपुर में कहाँ है सर ये तो दिल्ली में ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड एवरीबडी बहुत अच्छा नेक्स्ट अमुक्त माल्यदा का जो राइटर हैं किसने लिखा हुआ ये पूछा हुआ है एम में आया हुआ क्वेश्चन से सर 2019 में क्वेश्चन पूछा है आफ्टरनून में बताइएगा किसने लिखा हुआ है जल्दी से किसने लिखा है 309 सौ नौ फटाख बताइएगा सभी बच्चे आंसर कर देंगे ये रिपीटेड क्वेश्चन है आ चुका है एग्जाम में बहुत अच्छा ग्रेट कृष्ण देव राय नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट। मणिकण का तांबे को इतिहास में के रूप में जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 सी पी ओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है फटाफट आंसर करिएगा और फिर हम लोग कंप्लीट करें अपने 350 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 310 पे हम लोग आ चुके हैं बताइएगा किसको जानते हैं मणिकंका आप सभी लोग जानते भी होंगे अच्छे से मूवी भी आ चुकी है इस पर रानी लक्ष्मीबाई पता नहीं वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप ठीक है रानी लक्ष्मीबाई सभी बच्चे जानते हैं मूवी भी आ चुकी है मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा नेक्स्ट लगभग 600 साल तक गुमनाम रहने के बाद किस वर्ष सांची की खोज की गई थी कितने वर्ष सर 600 साल ये ध्यान रखिएगा कभी कभी ये ऑप्शन भी आता है ये ऑप्शन भी पूछ देता है ऑप्शन में डाल के ठीक है सी में आया हुआ क्वेश्चन एस एस सी सी रिसेंट का क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का 1818 है 16 है 20 है या 14 है क्वेश्चन नंबर 311 का आंसर फटाफट 311 का आंसर हमें चाहिए आप लोग से 311 का आंसर चाहिए ना तीन सौ ग्यारह का बी ना ना गलत है प्रेम राजपूत गलत है बी ऑप्शन नहीं होगा सोलह तो पॉसिबल ही नहीं है है ना सोलह तो नहीं ही है हंड्रेड परसेंट सोलह नहीं है वेरी गुड रिया ने देखो आंसर बिल्कुल सही दिया है केसरी जी ने स्कीप करा हुआ है बहुत अच्छा रिया वेरी गुड बाबू क्या होगा अठारह सौ अठारह में ठीक है इलाहाबाद आगरा बीजापुर या दिल्ली का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है किसकी है सर इलाहाबाद की आगरा की बीजापुर की या दिल्ली की ये भी सी में आया है जो पेपर आप देने जा रहे हैं सस्सी सी जी एल में क्वेश्चन पूछा हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है बताइएगा इलाहाबाद आगरा बीजापुर या दिल्ली गोल गुंबद जो है मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है कहाँ पे कहाँ पे सर बीजपुर ओके सी कुछ लोग सी भी कह रहे हैं ऑप्शन ओके वेरी गुड बहुत अच्छा शौम्या वेरी गुड बाबू क्या होगा सर बीजापुर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बीजापुर तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ठीक है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे आपको ये बताना है बताओ ये क्वेश्चंस क्या है ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या है सर रिपीटेड है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में कह रहा है 2020 हजार सीजीएल का ही क्वेश्चन है और कल हम लोग देखे थे ये सीपीओ में भी आया था इवनिंग शिफ्ट का है बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है प्रेम राजपूत कह रहे हैं सर 112 का सी बिल्कुल सही है 112 का सी 113 का आंसर क्या होगा 113 का आंसर हमने पूछा है आपसे उसका तो बहुत इजी है सभी बच्चे आंसर कर देंगे जल्दी से <coughs> क्या होगा जल्दी से बताइएगा ऑप्शन नंबर बी ओके रिया वेरी गुड बाबू करेक्ट आंसर क्या है कार्नवॉलेस वेरी गुड बहुत अच्छा सतीश वेरी गुड शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में जाना जाता था अग्रहारम अष्ट दिग्गज अष्ट प्रधान नवरत्न यह भी सी में आया हुआ क्वेश्चन है एस एस सी में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में कब पूछा गया सर मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सौम्या श्रीवास्तव वेरी गुड प्रेम राजपूत बहुत अच्छा एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक जरूर से करेंगे जितने ज़्यादा बच्चे क्लास कर रहे हैं ठीक है थीके? वेरी गुड बहुत अच्छा 314 का आंसर आपको बताना है सर अष्ट प्रधान वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर है क्या होगा सर अष्ट प्रधान आप लोग का हिस्ट्री भी अच्छा है स्ट्रैटेजी जीके भी अच्छा है अब कल से देखेंगे सर जोग्रफ़ी में क्या हाल है पी वाई क्यू एस में चलेगा पुर्तगालियों के बारे में कह रहा है कि वर्ष किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था मैंने आपको बताया था कि इससे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गोवा पे अभी कल वाली क्लास में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे एस एस सी में आया हुआ क्वेश्चन है दो में क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में बताइएगा फिफ्टीन टेन ए है फिफ्टीन फोर्टी है टेन है या फोर्टीन सेवनटी फाइव है अभी कल वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है फिफ्टीन टेन ए है ओके तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी बच्चे दे रहे हैं फिफ्टीन टेन ए है ठीक है पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया था सर कब्जा कर लिया था नेक्स्ट आइएगा मुगल न्यायिक इतिहास को किस भाषा में लिखा जाता है ये टेन प्लस टू में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का कब का है सर इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है संस्कृत हिंदी फारसी या उर्दू 316 सो तो यह होगा सर कौन सा फारसी क्या है सर फारसी पर्शियन टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैशूर की राजधानी कौन सी थी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत इजी भी क्वेश्चन है टफ नहीं है इस तरह से आपके क्वेश्चन सी ने पूछा गया है एस एस सी टेन प्लस टू में आया हुआ क्वेश्चन 2020 का है और इवनिंग शिफ्ट का है ठीक है बिदर होगा श्रीरंगपट्टनम होगा मदुरे होगा या बेंगलोर होगा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से अच्छा यहाँ पे एस एस के कौन से बच्चे हैं यहाँ पे एस एस के कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो एस एस का पेपर दे रहा है आप लोग को पता है सर एडमिट कार्ड वगैरह उसका भी आ चुका है डेट भी आ चुकी है बहुत अच्छा रिया वेरी गुड मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से थे वेनेस जूरिक इस्ताबुल पेरिश सतीश आपने दिया हुआ है ठीक है और कोई बच्चा ऐसा है जो दिया हुआ है ठीक है ये सी में आया हुआ क्वेश्चन है दो का क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा हम सर हाँ, कोई बात नहीं बताइएगा तीन सौ अठारह का आंसर क्या होगा तो करेक्ट आंसर क्या है मार्कोपोलो कहाँ से थे सर वेनिस से थे कहाँ से सर वेनिस से थे ये तो सभी को आंसर देना चाहिए रिया कुमारी हंड्रेड परसेंट वेरी गुड बाबू केसरी जी का आज आंसर नहीं आ रहा केसरी जी का भी आ गया वेरी गुड चलिएगा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायशरा निम्नलिखित में से कौन थे सी में एस में पूछा गया क्वेश्चन है दो आया है एस एस सी सी पी ओ दो हज़ार बीस का क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है बताइएगा कि भारत के प्रथम पुर्तगाली वादशराय निम्नलिखित में से कौन थे ठीक है तो दुराते डी मैनेज तो ये तो थे ही नहीं सर ऑप्शन नंबर बी होगा ही नहीं लोपो सोरेस भी ऑप्शन नहीं होगा सर बचा क्या ए और सी में से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा होगा क्या बोलते हो बहुत अच्छा ग्रेट एवरीबॉडी सभी बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी एक्जैक्टली सही है बहुत अच्छा वेरी गुड नेक्स्ट आइएगा निम्नलिखित में से कौन सा मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं है, बिलोंग टू राजपूत किंगडम ऑफ मारवाड़ सीपीओ में क्वेश्चंस पूछा है 2020 में सीपीओ 2020 में पूछा गया है यहां पे पूछा हुआ है कि नॉट बिलोंग टू राजपूत किंगडम नॉट शब्द का यूज है ठीक है राजा जोधा ये बिलोंग करते थे सर राव चंदा ये भी बिलोंग करते थे सर राणा कुंभा नहीं करते थे आई थिंक राणा कुंभा होगा ना क्या कहते हो अमित ऑप्शन क्या होगा 320 का मालदेव भी किया करते थे यार राणा कुंभा मालदेव में डाउट लग रहा है वैसे मेरे हिसाब से राणा कुंभा होगा क्या होगा एंसर रिया कुमारी केसरी जी हाँ बिल्कुल सही है चलो बिल्कुल हम भी सही है मतलब हमें भी डाउट होता है कभी कभी है ना तो कभी भी किसी को डाउट हो सकता है राणा कुंभा वेरी गुड केसरी जी बहुत अच्छा रविंद्र ऑप्शन डी नहीं होगा यार मालदेव नहीं होगा मारवाड़ पूछा हुआ है ना हाँ सही है ऑप्शन सी ही होगा कंफर्म है ठीक है ना रविंद्र डी नहीं होगा कुंभा होगा नेक्स्ट आ जाओ कालिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था कहाँ स्थित है आपको ये बताना है सर स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द मेडिकल टाइम्स इज मेडिवल टाइम इज लोकेटेड कहाँ पे उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब या सिंध में सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन एस एस टी सी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जल्दी से आंसर करिएगा ठीक है चलिएगा वेरी गुड उत्तर प्रदेश प्रेम राजपूत कह रहे हैं सर बी होगा राजस्थान केसरी कह रही है सर उत्तर प्रदेश होगा और कोई बच्चा करेक्ट आंसर सर क्या होगा उत्तर प्रदेश ही होगा तीन सौ इक्कीस का ठीक है राजस्थान गलत है वेरी गुड चलेगा लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में कह रहा है इसने शुरू की थी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यह दावा करती है कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है तथा इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की शक्ति से क्या है सर अधिक है किसने करी थी लॉर्ड हैस्टिंग ने सीपीओ में एसएससी ने पूछा है एसएससी सीपीओ 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है यह सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में ही कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ईजी क्वेश्चन है है ना बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है बहुत ईजी है क्या होगा सर जल्दी से तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है सभी को वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट आइएगा किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों से हस्तांतरित किया गया था टेन प्लस टू में क्वेश्चंस है ठीक है 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया आफ्टरनून में 323 323 जल्दी से फोर्टी टू या सिक्सटी फोर या फिफ्टी एट एटी सेवन तो पॉसिबल नहीं है एटी सेवन तो गलत है बिल्कुल एटी सेवन बिल्कुल रॉन्ग आंसर है मेरी आवाज़ आ रही है सभी को क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को हाँ बहुत अच्छा ऑप्शन नंबर डी अट्ठावन नेक्स्ट आइएगा किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन एसएससी एस एस सी में आया हुआ क्वेश्चन है एस एस सी में आया हुआ क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था कौन से ईयर में ये पूछ रहा है सर ग्रहण किया था तो नौ उन्नीस में इसने क्या किया था सर ग्रहण किया था ठीक है गुलशन कुमार क्या लिखा है सर आरपीएफ का भी अच्छा गुलशन कुमार कह रहे हैं आरपीएफ का भी सेशन करा दीजिए सर आपका टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा सर प्लीज़ थैंक यू सो मच गुलशन गुलशन आरपीएफ आर का पेपर में अभी टाइम है ना तो अभी ये आ, फर्स्ट ऑफ दिसंबर से एक सेशन स्टार्ट होगी एसएससी जीडी की ठीक है एस एस की भी एक सेशन स्टार्ट होगी एस एस के संग संग जो भी आपके पेपर है ना वो कवर हो जाएंगे जीके जी से सेलेबस सबका सेम है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है ठीक है तो उसको एक अलग से आर के लिए पी वाई क्यू एस के पैटर्न पे लाके आपको करा देंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं 1756 में ठीक है अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था ठीक है कहाँ का सर बंगाल का ये सी में आया हुआ क्वेश्चन है अगेन सी में आया हुआ है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है मैं अगेन कह रहा हूँ जितने सारे पी वाई क्यू एस के क्वेश्चन है लास्ट मोमेंट पे अगर आप लगा रहे हो तो ये आपके लिए ना बहुत बड़ा रामबाड़ का काम कर रहा है समझदार के लिए काफ़ी है कि हाँ अगर वो कॉन्टेंट को समझेगा तो सफिशियंट है अभी आप मॉक टेस्ट दे दो या तो पी वाई क्यू एस लगा लीजिए आपका नंबर हंड्रेड परसेंट गेन करेगा एन अदर बच्चों की अपेक्षा अगर आप ये हॉनेस्टली करते हैं तो चलिए नेक्स्ट बताइए करेक्ट आंसर क्या है वेलकम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री टू फाइव का आंसर हमें चाहिए सिराज उदुल्ला बिल्कुल सही है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट 1498 में खोजकर्ता ने भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी एक्सप्लोर अच्छा है, उन्नीस में आया हुआ क्वेश्चंस है 2019 में. तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसका आंसर दे, दे देंगे बहुत इजी है बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप हिस्ट्री की शुरुआत ही करते हो तो हिस्ट्री की शुरुआत में ही इनका नाम आना जरूरी है तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है इनके नाम के बिना अधूरा है हिस्ट्री को पढ़ना है ना कलिकट वगैरह आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा टप्पू के पापा आ गए वेरी गुड कैसे हैं टप्पू के पापा गुड मॉर्निंग चलिएगा किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटर भगवदगीता इन टू इंग्लिश सी एच एस एल में आया हुआ क्वेश्चन है सर 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जॉर्ज यूल है सर विसेंट है सर मैक्स है सर ये चॉल्स है किसने कन्वर्ट करी थी भगवत गीता को किसने कन्वर्ट करा था <coughs> स्पेक्ट्रम बुक में है अरे वाह बहुत अच्छा ग्रेट वेरी गुड बहुत अच्छा थ्री टू सेवन का आंसर हमें चाहिए चार्ल्स विलिंग्स वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी एवरीबडी बहुत अच्छा ग्रेट नेक्स्ट आइएगा 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह किस जयंती वीर कुंवर सिंह जयंती को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है बिहार में उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ईजी है सिर्फ लैंग्वेज बड़ा है टफ़ बिल्कुल नहीं है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा ये कहाँ पे मनाया जाता है वीर कुंवर सिंह जयंती सर जो है वो बिहार में देखने को मिलेगा कहाँ पे सर बिहार 100 परसेंट वाला आंसर है बिहार वाले बिहार से आंसर गलत कर ही नहीं सकते ये तो गारंटी है भारत में सिपाही विद्रोह हुआ बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 सोचो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता मैं आपको तो कह रहा हूं पेपर अगर टफ हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन तो वो है सर सीपीओ का वो है सर एम का पेपर अगर इजी अगर देखना है तो आप सी का कर लीजिए और किस्सा कर लीजिए सी कर लीजिए है ना ये दोनों पेपर इजी आ रहे हैं बट ये दोनों पेपर टफ दे रहे हैं सीपीओ और एमटीएस टी के क्वेश्चन को तो सी के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है आपको अगर आपने आपने अगर एम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ली है पी या टेन प्लस टू का भी कर लिया है तो भी आपका सी में पी से कम से कम पाँच से सात क्वेश्चन तो मिल जाएंगे पूरी चांसेस हैं मेरठ ओके ओके बहुत अच्छा करेक्ट आंसर क्या है सर मेरठ क्योंकि अगर जो बच्चे मेरे संग शुरू से जुड़े हुए हैं ये मैराथन नंबर शायद आई थिंक फोर्टीनथ या फिफ्टीनथ है, 15th है. तो जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं मैराथन वन से उन्होंने ये नोटिस करा होगा कि सर जितने सारे पी वाई क्यू एस के क्वेश्चन हैं वो अगर मॉर्निंग में पूछा है तो सर इवनिंग में पूछा गया है और अगर एम टी एस के इवनिंग में पूछा है तो सी एच एस एल के मॉर्निंग में पूछा हुआ है तो मतलब एक ही क्वेश्चन को चारों शिफ्ट में घुमाया जा रहा है चारों शिफ्ट के चारों पेपर में समझ रहे हैं आप तो आपको कुछ करना नहीं है आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ा काम है वो आपका ये है कि जितने सारे पी वाई क्वेश्चन है बहुत पीछे भी नहीं जाना है कि सर पाँच साल कर ले सर सात साल कर ले नहीं पाँच साल को भी जाने की जरूरत नहीं है आपके लिए तीन साल सफिशियंट है तीन साल भी अगर आपने मेहनत से कर लिया चारों शिफ्ट के फॉर एग्जाम्पल सी है सी का एक दिसंबर को पेपर है एक दिसंबर के चारों शिफ्ट के पेपर को अगर आप कर ले जाओ तो आप खुद सोचो सर कितने क्वेश्चन होंगे सौ क्वेश्चन होंगे चार सौ क्वेश्चन मिलेंगे एक शिफ्ट से और कितने हैं सर कितने हैं सर तेरह शिफ्ट तेरह दिन है तेरह चौक का बावन हो गया बावन शिफ्ट है कितने हो गए सर बावन शिफ्ट में अगर आप सौ से मल्टीप्लाई करो तो पांच हजार दो सौ हो जाएंगे और ये पांच हजार दो सौ क्वेश्चन पूरा सीजीएल में आ रहा है और ये पांच हजार दो क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता नहीं है सर इसमें से टेन प्लस टू का भी क्वेश्चन है इसमें एमटीएस के भी क्वेश्चंस होंगे वही हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी होगा ना वही करंट अफेयर होगा ना चेंज तो नहीं होगा ना इकोनॉमिक से टॉपिक तो चेंज नहीं होंगे ना वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ चीजों को समझिए कि एग्जामिनर क्या आपको रीड करना चाहता है और आप एग्जामिनर को क्या दे रहे हैं अगर ये सब चीजें आपने लॉजिक लगा के पढ़ाई करा थोड़ा सा सोच लिया आपने मैं बता रहा हूँ अगर आपने पढ़ाई भी कम करी है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर हमने इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है सर हमने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं है घबड़ाना नहीं है मतलब सिर्फ आपको पी वाई क्यू एस लगाना है अगर आपने मेहनत से कर लिया तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे प्री तो निकल जाएगा आराम से सिर्फ और सिर्फ मेन्स में आने के बाद दुनिया भूल जाइएगा मेन्स में लगिएगा मेन्स भी आप क्लियर कर जाएंगे ठीक है समझ में आ रहा है सर आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो मैंने तो एक्सप्लेन ही नहीं करा मैं तो सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ पेपर को लेके एक्सप्लेनेशन वाली क्लास तो अभी हुई ही नहीं है मेरी है ना तो वो स्टार्ट करेंगे गुलसन तो उम्मीद करेंगे कि आप रेगुलर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ठीक है चलिएगा आगे आते हैं क्वेश्चंस नंबर ये मैंने आपको करा दिया वॉस्को डिगामा हो गए ये हो गए ये हो गया नेक्स्ट आ गया अरे यार कहाँ पर हाँ एटीन का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल थे मतलब कि उस टाइम जो हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे 1857 में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहा है सी में आया हुआ क्वेश्चन एस एस सी में क्वेश्चंस पूछा गया है बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 1857 के सिपाही विद्रोह के टाइम में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जल्दी से गुलसनस कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी ओके लॉर्ड डलह ओके अमित पटेल कह रहे हैं सर नहीं 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 गलत है बेंटिंग को कह रहे हैं ओके ठीक है और कोई केसरी जी कह रही हैं कि नहीं सर डी होगा कैनिन सभी बच्चे आंसर अलग अलग कर दिए बताओ सभी बच्चे टप्पू के पापा कह रहे हैं सर डी होगा टप्पू के पापा अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब डी ही होगा ठीक है टप्पू के पापा बोल दिए तो हम इसी के संग जाएंगे टप्पू के पापा के संग है ना वेरी गुड बहुत अच्छा निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था किसे किया गया था यह पूछा प्वाइट एज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया सीएचएसएल में क्वेश्चन आया हुआ है टेन प्लस टू दो में क्वेश्चन आया हुआ है इवनिंग शिफ्ट में ओके तो बताइएगा किसे किया गया था प्रेम राजपूत वेरी गुड रघवेंद्र बहुत अच्छा गुलशन कुमार कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी होगा वेवल ओके दिव्या केशरी टप्पू के पापा कैनन फिर से कैनन पे आ गए ओके और कोई बच्चा और कोई बच्चा बिल्कुल सही है लॉर्ड कैनन बहुत अच्छा नेक्स्ट ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी कहाँ पे दी गई थी सर इलाहाबाद बनारस कलकत्ता या बैरकपुर सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है सर 2019 में क्वेश्चन पूछा है इलाहाबाद बनारस कलकत्ता या बैरकपुर बैरकपुर भी कहां पड़ता है सर कोलकाता में पड़ता है हाय दिव्या कैसे हो वेरी गुड मॉर्निंग भारद्वाजी कैसी हैं आप काफ़ी दिन बाद देखी हैं रेगुलर आना चाहिए क्लास में ना बैरकपुर कह रहे हैं सभी लोग <coughs> बिल्कुल सही ऑप्शन है सर क्या होगा ऑप्शन बैरकपुर होगा या इलाहाबाद होगा सोच के आंसर करो आप सभी इलाहाबाद होगा या बैरकपुर होगा कहाँ पे पढ़ लिया कहाँ पे पढ़ लिया आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा जल्दी से बताइए टप्पू के पापा कह रहे हैं नहीं सर ऑप्शन नंबर डी ही, ही होगा कहाँ पढ़ा भैया मेरे को ये भी बताओगे थोड़ा सा कि सर हमने यहाँ पे पढ़ा है कौन बताएगा सर हमने ये कहाँ पे पढ़ा है हम भी ज़रा जाने बैरकपुर वेस्ट बंगाल डी ही, ही होगा ओके दिव्या भी कह रही है सर डी ही, ही होगा अच्छा जी ठीक है और कोई बच्चा और हम कहें कि सर नहीं सर ऑप्शन ए होगा तो इलाहाबाद क्यों नहीं होगा हिस्ट्री में ओके बैरकपुर ही होगा हंड्रेड परसेंट बैरकपुर होगा हैं डी होगा रिया कुमारी भी कह रही दिव्या भी कहेंगे हिस्ट्री में ओके चलो बिल्कुल सही है सर बैरकपुर आगे आ जाओ बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे एम टी एस दो में क्वेश्चन आया है एम टी एस दो हजार उन्नीस में पूछा गया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा वेरी गुड कुर सिंह ओके ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट नेक्स्ट आइएगा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया कौन सा चेंजिंग नहीं किया गया हाय जया वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप टप्पू के पापा बिहार पटना में हुआ था सर शायद अच्छा जी अच्छा जी थर्टी फोर का आंसर क्या होगा थर्टी फोर का आंसर क्या होगा ये तो सभी लोग आंसर कर देंगे ना 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया पूछ रहा है, नहीं किया गया है ठीक है कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है आराम से सोच समझ के आंसर करना है जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल नहीं करना है ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है तीन का आंसर करना है नहीं किया गया भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था बिल्कुल किया गया था स्टेट फॉर इंडिया ठीक है सेक्रेटरी है ना और यहां पे सोल्जर्स बोला नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉल इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी है ना राइट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर हैडेड ओवर द ब्रिटिश एम्पायर ये तो किया गया था हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा ये नहीं किया गया था ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ऐसा नहीं हुआ था ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट गॉट इट केसरी बहुत अच्छा रघुवेंद्र बहुत अच्छा रिया कुमारी बहुत अच्छा वेरी गुड बच्चा नेक्स्ट आइएगा निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं था विद्रोह से संबंध नहीं है ठीक है सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल सी आप देखो पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं है ठीक है 2020 का क्वेश्चन पूछा है ये बच्चे बताओ ये पेपर आपको लग रहा है सर टफ है बिल्कुल टफ नहीं है गुलसन है ना जया वेरी गुड केसरी जी बहुत अच्छा रिया कुमारी बहुत अच्छा सतीश भगत सिंह कह रहे हैं राघवेंद्र जी भी कह रहे हैं सर भगत सिंह होगा चंपक चंपक चाचा टप्पू के पापा कहाँ हैं टप्पू के पापा कहाँ चले गए चंपक चाचा भी आ चुके हैं प्रेम राजपूत रिया राघवेंद्र वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी गुड बहुत अच्छा टप्पू के पापा आ गए वेरी गुड ऑप्शन नंबर क्या होगा सर डी भगत सिंह आप सोचो पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं है इजी क्वेश्चन से बिहार दिवस को राज्य भर में दिन मनाया जाता है थर्ड ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी टू फेबर या सेकेंड मार्च जल्दी से जल्दी से चंपक चच्चा क्या लिखे हैं चंदन यादव कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी होगा गुलशन जी कह रहे हैं डी होगा हल्ला बोल कैसे हो <laughs> अच्छा ये अटपटांग नाम कैसे आप लोग बना के चले आते हो ये बताओ 22 मार्च को मनाते हैं सभी बच्चों ने कहा है टप्पू के पापा हैं हल्ला भोल हैं ठीक है ठीके? पता नहीं भी हमारे क्लास में आते हैं ठीक है और कौन है भैया गजब गजब के नाम रख के आते हैं अभी इसके पहले जब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर था वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आया करते थे बराक ओबामा आया करते थे पुतिन आया करते थे नरेंद्र मोदी जी आया करते थे तो एक से एक बदमाश बच्चे पड़े पड़े हुए हैं बताइएगा 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया था सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन एस एस सी में 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया है ठीक है कुंवर सिंह है मौलवी जी हैं बेगम हजरत जी हैं या खान बहादुर जी हैं आपने अगर एक चीज़ नोटिस करना है क्या नोटिस करना है सर कि एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं अगर हमने क्या किया अट्ठारह विद्रोह के बारे में अगर हमने पढ़ लिया तो रतन सर एसएससी में चाहे वो एमटीएस हो चाहे टेन प्लस टू हो चाहे सीजीएल हो चाहे सी हो इन चारों में से सर इसमें से कम से कम चार से पाँच क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मेरे हाथ में होगा इसका मतलब सर 1857 का विद्रोह आपको पढ़ लेना है ध्यान रखिएगा अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है नहीं पढ़ा है तो आप मेरे संग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भी सफिशेंट है इसी से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्जाम में हंड्रेड सर बी होगा मौलवी अहमदुल्ला ओके ऑप्शन बहुत अच्छा ग्रेट एवरीबडी बहुत अच्छा तो क्या होगा सर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी निम्न में से किसे ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था क्या यह क्वेश्चन रिपीटेड है अब आपको देखा कि हां सर यह क्वेश्चन रिपीटेड है अभी हमने देखा था सर यह क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन था और फिर से अगेन सीजीएल में आया है देखिए आप यहां पे एस एस सी सी जी एल में क्वेश्चन पूछा है और इसके पहले ये सीपीओ दो में आया था समझ में आ रहा है तो सर क्वेश्चंस क्या है मूव कर रहा है और कुछ भी नहीं है तो आपको इसी लॉजिक को समझना है और पूरे पी वाई क्यू एस के हर एक क्वेश्चन को पढ़ जाना है वो तो मैं करा ही दे रहा हूँ और यहीं से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जल्दी से ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया ये आई थिंक हमें लगता है ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ठीक है बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा जया कह रही है सर ऑप्शन नंबर ए होगा कैनिंग और कोई वेरी गुड और कोई बच्चा आंसर करेगा वेरी गुड मॉर्निंग कैरी कैसे हो आप चंदन यादव कह रहे है, सर ऑप्शन नंबर ए होगा वेरी गुड ठीक है राघवेंद्र भी कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए होगा वेरी गुड वेरी गुड चलो अभी जस्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन फिर से सीजीएल में आ गया किस भारत के वायशराय ने 1943 के बंगाल अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वो भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे किसने ऑर्डर दिया था ये हां सीजीएल में आया क्वेश्चन है बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है सर इजी है वो भी 2020 का लेटेस्ट का है ठीक है 2020 का है लेटेस्ट का जया जया ये थ्योरी क्लास हो जाएगा फिर फंस जाएगा ठीक है बताने को आधे पे क्यों छोड़ेंगे कि हाँ ये थे केवल इतना बताना है तो आप गूगल पे सर्च कर लोगे कि हाँ सर ये थे ये थे कोई बड़ी चीज नहीं है पढ़ना है तो उसको अच्छे डिटेल से हमें डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा बेहतर ये होगा वेरी गुड करेक्ट आंसर सर क्या है ऑप्शन नंबर डी लीलिथंगो 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन एस एस सी सी पी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति किसने करी थी लॉर्ड लिंटन ने करी थी मिंटो ने करा था मेयो ने करा था रिपन में करा था करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से 42 का आंसर क्या होगा तो किसने करा था सर रिपोन ने करा था किसने सर लॉर्ड रिपन ने करा था 342 का ए होगा ना प्रिया नहीं लॉर्ड लिंटन नहीं होगा क्या होगा सर डी होगा ठीक है किसका सर 341 का क्या बोला है रिया किसका बोल रहे हो 341 का वेवल नहीं होगा डी होगा नेक्स्ट ये तो हो गया इस पे आइएगा नहीं नहीं ठीक है बच्चा वो सही है इसका बताइए क्या होगा सती प्रथा को गवर्नर जनरल काल में समाप्त कर दिया गया था कब इंड किया गया था सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 ठीक है सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का जल्दी से सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा वेरी गुड बहुत अच्छा राघवेंद्र वेरी गुड थर्टी फोर्टी थ्री का बताइएगा थ्री फोर्टी थ्री का आंसर वेरी गुड क्या होगा सर विलियम पेंटिक ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छा नेक्स्ट ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के सात संसद सात संसद सदस्यों का एक समूह था ये एमटीएस में क्वेश्चन आया है जर कमीशन था हंटर था हाँ बिल्कुल सही है एम में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा बहुत इजी क्वेश्चन है टफ बिल्कुल भी नहीं है टफ बिल्कुल भी नहीं है फटाफट आंसर कर दिए टफ बिल्कुल भी नहीं है साइमन कमीशन बिल्कुल सही है सर ऑप्शन नंबर डी है ना साइमन कमीशन नेक्स्ट कौन सा निवेशक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी एस एस सी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से 45 का भी करेक्ट आंसर क्या होगा सर एक्सपोर्ट सर प्लस ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड बहुत अच्छा राघवेंद्र सतीश केसरी जी बहुत अच्छा कर रहे हो रिया कुमारी अच्छा कर रहे हो प्रेम राजपूत बहुत अच्छा कर रहे हो रॉयल एक्ट के बारे में कह रहा है सर राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था फोर्टीन ऑफ जून 1921 में सिक्स अप्रैल 1919 में सेकेंड फेबररी 1913 में या सर एट मई 1920 में एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है 1919 में ओके बहुत इजी क्वेश्चन है टफ बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल सही है ठीक है सिक्स अप्रैल नाइनटीन में रॉयल टीटीज एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे आपको ये बताना है 10 प्लस टू दो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जल्दी से आंसर करिए सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन और है हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से सभी बच्चे फटाफट फड़ आंसर करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्टी सेवन का तो आंसर सर हमारा क्या होगा बेंजामिन ऑप्शन नंबर डी ए नहीं होगा ना 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 गलत कर रहे हैं आप बी भी कुछ कह रहे हैं कुछ लोग डी भी कह रहे हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा नेक्स्ट किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा के दौरान ब्रिटिश सम्राट के हाथों सौंप दिया गया था कौन से ईयर में हुआ था सर 87 में था 42 में था 64 में था या 58 में था एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 हजार का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2019 आफ्टरनून में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है वेरी गुड 348 ओके okay? 348 का 58 बोल रहे है, कौन बोल रहा केसरी जी ने बोला हुआ है ठीक है वेरी गुड तो बिल्कुल सही है फिफ्टी एट बिल्कुल सर सही है ठीक है नेक्स्ट फोर्टी नाइन पे आइएगा भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष में की गई थी कौन से सर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन द ईयर सी जी एल एस एस सी में पूछा गया दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है सर मॉर्निंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है थ्री फोर्टी नाइन का आंसर क्या होगा जल्दी से ना फिफ्टी एट क्या लिखा है फिफ्टी अच्छा इसके पहले वाला आंसर आपने दिया था ना ये आंसर होगा एट वन एट एट वन ठीक है बहुत अच्छा ग्रेट चलिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा बताइएगा प्री इंडिपेंडेंट के बारे में कह रहा है कि सर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव टू कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाता टू डेहली इन नाइनटीन अलेवन नाइनटीन ट्वेंटी फोर नाइनटीन ट्वेंटी वन एंड नाइनटीन थर्टीन ये है सी पी ओ का क्वेश्चन है सर दो हजार उन्नीस में स्वतंत्रतापूर्व भारत में अंग्रेज़ों ने भी भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी थी कब करी थी सर 24 में करी थी 21 में या 11 में सर डी तो ऑप्शन ही नहीं होगा ऑप्शन डी तो पॉसिबल नहीं है इम्पॉसिबल है रतन सर तो ये होगा सर हमारा क्या 1911 ये थे हमारे 50 क्वेश्चन के सीरीज़ जो कि मैंने आपको करा दिए हैं अब हमारी और आपकी मुलाकात कब होगी टप्पू के पापा जल्दी बताइएगा हमारी और आपकी मुलाकात कब होगी जल्दी से तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी सर रात में टेन पी पे कब होगी सर टेन पी पे मुलाकात होगी जहाँ पे सर हम लोग थ्री हंड्रेड फिफ्टी वन से शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि चार सौ क्वेश्चन हमारी आज खत्म हो जाए या फोर हंड्रेड फिफ्टी हम आप इंड कर दें ठीक है तो मुलाकात कब होगी सर तो हमारी होगी आप में रात में 10 बजे समझ में आया कोई बात नहीं ठीक है चंपक चाचा नहाकर आ गया <laughs> अच्छा जी ओके okay, कोई बात नहीं टम्पू के पापा कोई बात नहीं ठीक है तो ध्यान रखिएगा कि मुलाकात हमारी और आपकी कब होगी सर रात में टेन पी पे मुलाकात होगी जहाँ पर अगेन हम लोग फिफ्टी क्वेश्चन को कम्प्लीट करेंगे ठीक है और कोशिश सर पी वाई क्यू एस से प्री निकल सकता है क्या टम्पू के पापा बिल्कुल निकल सकता है बिल्कुल लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पी वाई क्यू एस के पूरे 25 क्वेश्चन आ जाएंगे पॉसिबल ही नहीं है ना यार मेरे भाई यहाँ पे समझो कैसे क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है जीके जी एस के राइट इसी से तो है तो इसमें से मान के चलो पांच क्वेश्चन तो हटा दो आप करंट अफेयर के मिनिमम पांच क्वेश्चन हटा दीजिए करंट अफेयर के बचे कितने सर बीस क्वेश्चन अब ये बीस हम मिनिमम पांच क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या पता सात आठ क्वेश्चन भी आ जाए करंट अफेयर में ठीक है और करंट अफेयर आएगा कैसे करंट अफेयर प्लस जी के साथ में पूछा जाएगा तो मतलब ये पांच से सात भी हो सकता है और बचा बीस क्वेश्चन में से इस बीस क्वेश्चन में से मान के चलिए कम से कम पांच से सात क्वेश्चन तो आपको पीवाई क्यूएस ही मिल जाएगा है ना पीवाई क्यूएस ही मिल जाएगा बचा कितना सर पंद्रह से सत्रह क्वेश्चन है ना पंद्रह क्वेश्चन मान के चलिए बारह से पंद्रह क्वेश्चन अब इस बारह से पंद्रह क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलेगा सर कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं हिस्ट्री के जोग्रफी के पॉलिटी के या फिर इकोनॉमिक्स के या तो सर फिजिक्स के या तो केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के अब ये इन पूरे सेक्शन को मिला के एग्जामिनर अगर पंद्रह क्वेश्चन बना रहा है तो आप सोचो कितने क्वेश्चन पूछेगा एक्स्ट्रा दो चार दो चार दो चार करके बनाएगा क्या पता कि हिस्ट्री में ही दस क्वेश्चन दे दे इकोनॉमिक्स से एक भी ना पूछे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ दे तो आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि हम किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करें तो सबसे ज्यादा अगर आपको फोकस करना है तो वो कर, आप करंट अफेयर जी के लास्ट के छह से आठ महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा ठीक है छः से आठ महीने की करंट अफेयर हमारे पीयूष सर जनवरी से लेकर नवंबर तक कवर करा रहे हैं सुबह इवनिंग में सिक्स थर्टी पे उनकी क्लास चलती है आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं पूरा एक साल का करंट अफेयर वो करा रहे हैं तो वो सफिशियंट है प्लस स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है उस एक हजार क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाइएगा वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री का मैंने कराई दिया है आज रात में एंड हो जाएगा जोग्राफिक मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा जहां पर आपको उसके भी पी वाई पूरे मिल जाएंगे तीन साल के ठीक है समझ में आया ठीक है सब निकल जाएगा चंपक के चाचा कह रहे <laughs> मेरी बात समझ में आई ठीक है तो क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं मिलते हैं रात में दस बजे जहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे बचे हुए क्वेश्चन को एंड करते हुए जोग्राफ़ी की शुरुआत कर देंगे ठीक है इसी उम्मीद के संग हम आपसे अलविदा लेते हैं मिलते हैं रात में दस बजे तब तक के लिए आप सबको बाय बाय टेक केयर आप सभी अपना ध्यान रखिएगा मुलाकात करेंगे रात में दस बजे जय हिंद